सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा दिख रहा है इन दिनों। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर आक्रामक तेवर में है। रीवा में आज कांग्रेसी जा पहुंचे मुक्ति धाम। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई सूरत की एक अदालत से फैसला आने के बाद। उसी दिन से पूरे देश में कांग्रेसी धरना प्रदर्शन अपने ही अंदाज में कर रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा प्रदर्शन रीवा के मुक्ति धाम में कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। सुबह से ही कांग्रेसी मुक्ति धाम पहुंचने लगे, बाकायदा टेंट लगाकर बैठ गए, मौन व्रत धारण करके। कांग्रेसियों का साफ तौर से कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदले की भावना से उनके नेता के साथ काम कर रही है, पूरे देश में इसी को लेकर हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कभी संसद में भाषण देते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है, कभी वो केवल अंबानी अडानी के बारे में जब भी बात करते हैं उनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। वर्तमान में सूरत के एक फैसले के बाद उनकी सदस्यता भी संसद से खत्म कर दी गई। यही नहीं, अब उनसे बंगला भी खाली कराया जा रहा। यह सब बदले की भावना से किया जा रहा। अपने नेता के खिलाफ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा अपमान अब कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगा, वह सड़क पर उतरेगा। पिछले कई दिनों से पूरे देश के साथ रीवा में भी कांग्रेसी लगातार सड़कों पर है, कभी विवेकानंद पार्क तो कभी सिरमौर चौराहा राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल के पास, तो कभी संजय गांधी अस्पताल में गांधी जी की प्रतिमा के पास। विरोध प्रदर्शन का कोई भी मौका कांग्रेसी नहीं छोड़ रहे, जिसके चलते आज पहुंच गए मुक्ति धाम में और वहां अपने ही अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। हम मौन व्रत में बैठे हुए, लोकतंत्र की हत्या का जो ये एक बड़ा प्रयास हो रहा है, दो साल की सजा राहुल गांधी जी को होती है और अपील होनी होती है, एक महीने के अंदर अपील करने के तहत तो निष्कासन कर दिया जाता है, फिर एक नोटिस मकान खाली करने की होती है। तो हम लोग के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम बंदरिया, जहां सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग, कोई कब्रिस्तान जाता है, कोई शमशान घाट जाता है, वहाँ एक मुक्ति की प्रार्थना करता है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए हम मौन व्रत में बैठे हैं। यह देश, यह गुलाब का फूल सबका है, सभी समाज, सभी धर्म का है और हर व्यक्ति को यहाँ आज़ादी है, बात करने की, बात रखने की, बात बोलने की। लेकिन इस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का यह दौर आया है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस दौर में बोलने की आज़ादी बंद कर दी जा रही है। अब बोलने की आज़ादी बंद कर आज रीवा में मुक्ति धाम में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन हुआ, जो राहुल गांधी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत तरीके से, कहीं पे सदन में माइक बंद कर देती है, कहीं सदस्यता निरस्त कर देती है, कहीं बंगला खाली कराती है। इससे साबित होता है कि हिटलर शाही का शासन चल रहा है। मैं जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से निकासन हुआ है भारत में, बहुत शर्म है और हम सब रीवा के वासी, देश के वासी निंदा करते हैं कि ऐसे विपक्ष को खत्म करने की योजना जो बना रही भारतीय जनता पार्टी है, पूरी तरह से गलत तरीका है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि किसी मानहानि के दावे में एक इतने बड़े लीडर को निकासन किया गया हो, और ये पूरी पूरी तरह से हिटलर शाही चल रही है जो जनता देख रही है, इसका जवाब आने वाले समय में देंगे। हम लोग मुक्ति धाम में मौन रख के और विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।